मॉर्निंग गाइस, आज मैं पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और आज सबको दिखाऊंगा लखनऊ के बारे में, जो कि जी जिसने बहुत कम लोगों ने शुरू किया है। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ जिसका ट्री की वीडियो है और कोशिश करो कि आपको बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू दे। हालांकि यहाँ पे ये ट्रिक बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे ब्रिज हैं जो कि टाइम और सेव करते हैं, लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम आती है ब्रिज में। तो यहाँ पर जो ब्रिज में चौराहा है, ये हैदरगंज चौराहा पड़ता है, जहाँ पे हमेशा आपको रश यानी कि भीड़ देखने को मिल जाएंगे ट्रैफिक का देखने। तो कभी भी आए तो ट्रैफिक का जो वो है थोड़ा समय देकर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको हम कम से कम करें। लखनऊ का सबसे बड़ा ब्रिज है और अभी हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGL, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी है। और अब हमें दिखाई देगा लखनऊ का इमाम बाड़ा, जो कि जब काफ़ी साफ है और पब्लिक किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं और एक अलग ही लुक को उतार सकते हैं। यहीं पे बहुत सारे फूलों की दुकान लगाई जाती है। यहाँ पे जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा चौक स्टेडियम। चौक स्टेडियम है लखनऊ का, वो भी यहीं पर मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में, लखनऊ वालों के लिए काफ़ी कुछ नया है कैमरा, क्योंकि अभी बहुत ही कम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। हालांकि ये सलाह से लोग ट्रेंडिंग हो चुके हैं, लेकिन ये कैमरा है इससे बहुत कम लोग हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं इमाम बाड़े के पास, सामने आपको दिखाई देगा क्लॉक टावर, घंटा घर, और उसके बाद छोटा इमाम बाड़ा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे हम दूर कर ले रहे हैं पुराने लखनऊ तक जाने के लिए। और सामने आपको दिखाई देगा रोहित के, ज़्यादा लग रहा है। सैटरडे है, विकेट का टाइम है, यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे बहुत। और यहाँ पे लखनऊ का पुराना इनका जैसे कहते हैं धागे वाला है, बहुत सारे धागे वाले यहाँ पर। ये है आपका बड़ा इमाम बाड़ा और इसी के अंदर है आपके घूम भी, जब यहाँ लखनऊ इसको विजिट करें। यार अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आप पूछ रहे हो, अभी मैं जा रहा हूँ अपने लखनऊ है बाइक।